हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आपको सबसे पहले बम बम बोले हर हर महादेव और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो अब लोग हम चल चलते हैं मंदिर। तो देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ के मंदिर इतना सुबह जा रही हूँ ना। ज़्यादातर घर ही रहती हूँ मायके में, तो वहाँ के मंदिर जाती हूँ। तो वहाँ तो सुबह ही चल जाते हैं हम, 4:30-5 बजे चले जाते हैं। तो अभी देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर, दिखाती हूँ खिड़की से। और मंदिर से वैसे आवाज़ आ रही है गाने वगैरह, भजन वगैरह की। और अभी हम चुके ऊपर भी नहा रहे हैं, फटाफट से भी चलते हैं। मैंने सामान वगैरह सब रेडी कर लिया और चलते हैं। बच्चे दोनों सो रहे हैं, इनको अंदर ही यहीं छोड़ के जाएंगे अभी, फिर शाम को इनको ले जा लेंगे बाद में दिखाने, मेरा मतलब मंदिर में दर्शन के लिए। तो चलो चलते हैं। चला लिया तो हो गया हमारे दर्शन वगैरह। और अभी सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे से हो गए, एकदम लगभग लग रहा दूसरा ही नंबर, जैसे कि हमने दूसरी तो पंडित जी पूजा ही कर रहे थे। और बस हम लोगों का दर्शन हो गया। और अगर हम थोड़ी देर में आते हैं ना, फिर वही होता, अभी 10 बजे के बाद यहाँ ऐसी भीड़ हो जाएगी, शाम तक यहाँ नंबर नहीं आएगा। फिर यही होता है, भाई चढ़ाओ और चलो चलो होता है। अब इस टाइम आराम से तसल्ली से हमने पूजा कर लिया और अब हम चलते हैं घर। और अब ये लोग जाएंगे अपनी ड्यूटी, और फिर मैं देखूंगी बच्चों को लेके आऊँगी एक बार बाद में। तो अभी मैं बच्चों को ले गई थी, अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चों को लेकर आ गई हूँ मंदिर से, 11:30-11 बज रहे हैं। और बच्चों को लेकर आ गई थी मंदिर, तो पीयू को था कि आप मुझे नहीं ले गए, अकेले अकेले चल गए। तो मैं हम तो सुबह चले गए थे दोनों के दोनों, और ये लोग सो रखे थे। तो इसको पीयू को लेकर गई अभी, और अब इनको नाश्ता वास्ता कराती हूँ। और इन्हें फिर पीयू अंशु को जाना है, अंशु के यहाँ डांस प्रैक्टिस है, तो अंशु को स्कूल छोड़ के आती हूँ अभी। बिल्ली बिल्ली को लगी है मेले में जाना है, और यहाँ पर मेला लगा ही नहीं है कहीं पर देहरादून में क्या है ना, मेला लगता है वहाँ पर, तो कई सारे मेले लगते हैं। टपकेश्वर का हो गया, सिद्धेश्वर मंदिर पर भी लगता है, तो वहाँ पर मेले लगते हैं। यहाँ ना मेला नहीं लगाया, तो पीयू को लगाया मेले में जाना है। तो देखते हैं अगर शाम को, अगर पापा का पापा को इसका प्लान हुआ तो चलो। अच्छा शिवरात्रि बोलते, सबको हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि, बुजुर्ग से बोलो हैप्पी महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, बोलो महादेव, जय जय शिव शंकु शंभू। गाना सुना दे, अच्छा भजन सुना दे, कर्पूर गौरम नहीं, चलो ठीक है। तो अब बस फटाफट से मैं अंशु का बैग वैग रखती हूँ, पानी वानी तो जाने, ज्यादा कुछ ले जाना नहीं है उसको, और उसको छोड़ कर आती हूँ स्कूल। तो ये है आज की मेरी व्रत स्पेशल थाली। तो हमारे जो है ना, इस तरह से खाना वगैरह बना लेते हैं, तो खा लेते हैं, मतलब पक्का खाना खा लेते हैं। तो मैंने बनाई आलू की सब्जी, कद्दू और रायता और खीर पूरी और सब्जी। तो अब चलिए भोग लगाती हूँ भोले बाबा जी को, और फिर हम लोग खाएंगे। तो अब चलती हूँ मैं, पहले भोग लगा लेती हूँ, फिर बच्चों को खाना वगैरह दे देती हूँ, फिर हम लोग भी खा लेंगे। और टाइम हो रहा है अभी 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, और खाना वगैरह खाते हैं। और आप सबको फिर से एक बार महाशिवरात्रि, और आपको शिवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव हम सबके जीवन में, आपके और हमारे सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, इसी मनोकामना के साथ। तो आज का व्रत जो है अभी हमने कर लिया, बस भोग लगाते हैं फिर हम लोग खा लेंगे। तो हमारे जो ऐसे खा लेते हैं शाम को, कई जगह पर क्या होता है कि अगले दिन खाते हैं, कई जगह फलाहार करते हैं, तो हमारे जैसा होता है हम उसी तरह करेंगे जैसे। चलो मैं भोग लगा लेती हूँ, भोग का लेकर चलती हूँ, पूजा पाठ हमने कर लिया है, और अब भोग के लिए मैं लेकर चलती हूँ।